अभी खबर है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना का मरकज बन गए हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सख्त फैसलों की हिकमत अमली तैयार कर ली है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज ने कहा है कि इब्तदाई मरहले में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स को 15 रोज तक के लिए सील किया जाएगा। शहर के बड़े मेगा स्टोर्स, मार्केट्स और स्वीट बेकर्स के नाम भी शामिल हैं। जिन इलाकों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होगा, उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 14 रोज में 686 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। शहर में 14 दिनों में 4 अमवात हुई हैं। शहर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब सख्ती की जाएगी। पब्लिक मकामात, शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में मास्क, सैनिटाइजर्स और सामाजिक फासला ना होने पर उसको सील कर दिया जाएगा। रियाज ने कहा कि शहरी मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जिला इंतजामिया लाहौर ने गुज़श्ता रात शादी हॉल्स और बेकर्स को सील करने का काम शुरू कर दिया था। शहर की तमाम तहसीलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए खसूसी टीमें बनाई गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में आज रात और कल सख्त क्रैकडाउन करेंगे।